मालिका। खुश आमदीद, खैर की खबर लाए होगे इंशाल्लाह। खैर की खबर नहीं है मलिका। क्या हो गया? पाशा का आपको लिखा हुआ एक मकतूब मैंने कासिद के हाथ रवाना किया था, उसे रास्ते में कत्ल करके किसी ने वो मकतूब आका को पेश कर दिया। उफ मेरे खुदा, क्या लिखा था पाशा ने? मुझे मालूमात नहीं, लेकिन बरसा की खुफिया मुलाकात का राज अफशा हो गया। आका उस पर काफी बेसकून रहे, पाशा ने मुलाकात की, शायद मसला खत्म हो गया। कुछ कहा था क्या पाशा ने? ये आप तक पहुंचाने का फरमाया था। मलिका, आपको हादसे की मालूमात मिल गई होगी। खैर, हमने हुरम की घिनौनी साजिश नाकाम बना दी। वो बाज आने वाली नहीं। शहजादे मुस्तफा और मुझे खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। मैं अब मजीद खामोश नहीं रहूंगा, इस बात का मैंने खुलकर ऐलान कर दिया है मलिका। अब एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो चुका है हमारे दरमियान। ये याद रखिएगा कि ये एक खूनी जंग होगी, या तो मैं हारूंगा या हूरम। आपका काम सिर्फ शहजादे की हिफाजत करना है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके लिबास से लेकर उनके आने वाले तहफ तक हर बात में एहतियात करें। ये याद रखें कि एक छोटी सी भी गलती से उनकी जिंदगी जा सकती है। हमारा रब हम सब की हिफाजत करे। सुल्तान, क्या हुआ? बात हुई क्या महमद से? आज नहीं तो कल आका के सामने जरूर जाएगा महमद, अपनी रवानगी का हक मांगेगा उनसे। शेर लड़का है महमद, अपने भाई की तरह कुशादा दिल है वो, समझदार शहजादा है। हुरम की इन तमाम मक्कारियों के बावजूद वो कितना मासूम है ना, हैरत होती है मुझे तो। आओ। मेरे आका शहजादे महमद तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, कुछ बात करना चाहता हूं। मसला है कोई? आपसे खुसूसी बात करनी है मुझे। आओ बैठो। महमद कहाँ गया है मालूम हुआ क्या? कारखाने में रहे वो तमाम दिन मलिका, इब्राहिम पाशा के साथ। मुझे इस बात की इत्तला क्यों नहीं दी गई? वो दरबार में थे, आका मोहतरम ने इजाजत दी थी उनको, वहां से उनके साथ चले गए थे वो। आप परेशान ना हो मलिका, वो वापस आ गए हैं। अचानक क्या जरूरत पड़ गई? सुबुल आका, इब्राहिम पाशा ने मुझसे खुलकर ऐलान जंग कर दिया है, आज के बाद ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। सबसे ज्यादा मुझे महमद की फिक्र है, ये लोग उसी पर हमला करेंगे। कहो मेरे बेटे, क्या मसला है? मैं फन हर्फ सीखने जाना चाहता हूँ बाबा। इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, तुम्हें जल्दबाजी से मना किया था। आप क्यों नहीं मुझे भेजना चाहते बाबा? क्या मुझ पर एतमाद नहीं आपको? क्या कह रहे हो तुम? वालिदा मुझे अभी तक बच्चा समझती हैं, और आप भी बाबा, जबकि मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे इजाजत दें ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं आपकी लायक औलाद हूँ।
महमद, आने वाले मौसम गर्मी तक तैयारी कर लूंगा मैं। मुझ पर एतमाद करें, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा मैं। कहाँ है इस वक्त? अपने कमरे में है क्या? फौरन मालूम करता हूँ मलिका। वालिदा। मेरे फरजंद, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। खैर तो है वालिदा, क्या मसला है कोई? क्या आज तुम दीवाने खास के बाद इब्राहिम पाशा के साथ कारखाने गए थे? दुरुस्त है वालिदा, कोई एतराज है क्या? अगर तुम महल से बाहर जाओगे मुझे जरूर इत्तला करोगे। मैं भी आपको यहाँ पर इत्तला देने आया था, आपको बताने के लिए एक अहम मसला है। मैं आने वाले मौसम गर्मा में महल से जा रहा हूँ। क्या मतलब? फन हर्ब सीखने जा रहा हूँ वालिदा। कैसे जा सकते हो, बिल्कुल अचानक ये बात कहाँ से आ गई? मेरी ख्वाहिश थी, मुझे आका ने भी इजाजत दे दी है। वालिदा हटो हटो। सुलेमान, सुलेमान, अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें खोले।
मेरे आका। आका ठीक तो है ना? शुक्र है जिंदा है सुल्तान मुअज्जम। तू हिफाजत फरमाना या रब। ये सब कैसे हुआ? वल्लाह किसी को कुछ नहीं मालूम पाशा मोहतरम। और हम सुल्तान अंदर आए तो ऐसे ही बेसुध पड़े हुए थे जमीन पर। खजीना चलो मेरे साथ। मौसम गर्मा से पहले जाना यूं भी मुमकिन नहीं। वालिदा भी कुछ महीनों के बाद मेरे पास आ जाएंगी। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ कहे बगैर ही वो वहां से चली गई। वो जरूर बाबा के पास गई होंगी। तुम फजूल में खुश मत हो भाई, वालिदा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो नहीं जाने देंगी तुम्हें। मैं हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। महमत, महमत। पहले भी यही हुआ था आका को, शायद वही पुरानी बीमारी है। आप तसल्ली रखें शहजादी, आका बहुत बाहिम्मत हैं, जल्द ही शिफायाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। फिक्रमंद ना हो, आका चल ठीक हो जाएंगे। पाशा, जल्दी से बताएं हकीम साहब, क्या सूरत हाल है? इन्हें जहर दिया गया है पाशा। होश में तो हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जहर कैसे दिया जा सकता है? इसके सिवा कोई सबब नहीं। इनके वजूद पर निशान मौजूद हैं। मैं इनका बुखार उतारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जहर अब भी मौजूद है। सबसे पहले हमें इसे निकालना होगा। अगर जहर है तो फौरन उसे निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा आपको। पूरी कोशिश कर रहा हूं, इससे पहले इनकी ऐसी हालत नहीं देखी। वालिदा क्या हुआ शहजादी? आका की तबीयत नासाज है, लेकिन परेशान ना हो, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। वालिदा क्या हो गया बाबा को? वो कुछ देर पहले मेरे साथ थे, बिल्कुल ठीक थे, ये कैसे हो गया? आका को जहर दिया गया है। देखते हैं अब किसका खून बहता है मरमर के स्पर्श पर। फौरन वजूद से जहर निकालने की जरूरत है, लेकिन ये कैसे होगा नहीं मालूम। इब्राहिम तुम क्या कह रहे हो? कैसा जहर?
अगर मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है शहजादे, आका की जिंदगी खत्म करें पहले, क्योंकि उनकी जिंदगी के बगैर ये दुनिया एक दोसख है मेरे लिए। आप मेरे बेटे को बुलाए बादशाह, याहिया को, वो कोई तरीका निकाल लेगा। हाय अल्लाह खुश रखे अफीफा खातून, यकीन करें याहिया साहब हर मर्ज की दवाएं माशाल्लाह से। तुम आका को तनहा मत छोड़ना। जो हुकुम पाशा मोहतरम। याया साहब फौरन चले। खैर तो है पाशा, क्या हुआ? आका को जहर दिया गया, फौरन से पेशतर उसे निकालना होगा। या अल्लाह, खैर सूरत हाल क्या है? सूरत हाल अच्छी नहीं है याया साहब, आपकी मदद की जरूरत है। जहर कैसा ये भी नहीं मालूम, आका की हालत अबतर है, वो कितना बर्दाश्त करेंगे नहीं जानते। फरहत फरमाइए याया साहब। सामान तैयार करो मेरा। फायदा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना है मट्टी हरदर्द की दवा है बाजरा। ठीक है चले। पाशा आप खुशामदीद। मैं अपनी खुशी से नहीं आया, हालात बहुत बुरे हैं, आका की हालत तश्वीशनाक है। बीमारी बहुत खतरनाक है। हकीम का कहना है कि वो किसी भी वक्त अल्लाह की रहमत पे जा सकते हैं। शहजादे, फौरन से पेशतर पाया तख्त पर पहुंचना इस पर जरूरी है। तमाम तुर्क सल्तनत आपकी मुंतजर है। मौत को खत्म कर दे या रब्बुल आलमीन, शिफा अता फरमा, क्योंकि शिफा बख्शने वाला तू है, तुझ जैसी शिफा कोई नहीं बख्श सकता। पूरी तरह शिफा याब कर दे कि कोई भी बीमारी बाकी ना रहे। बिस्मिल्लाह काफी, बिस्मिल्लाह शाफी। या साहब, आका ठीक हो जाएंगे ना? बताएं। इंशाअल्लाह पाशा, अल्लाह से ना उम्मीद ना हो, हमें दुआ करनी चाहिए।
इन्हें तकलीफ देने वाली हर बीमारी, नजरपद से देखने वाले तमाम लोगों, हर बदी से महफूज रखने वाले अल्लाह के नाम से शिफा की दुआ करता हूँ। आमीन। अल्लाह ताला तेरी अता की हुई शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं है। या अल्लाह अपने इस बंदे को शिफा दे ताकि तेरी रजा और दीन के लिए अपना फर्ज अंजाम दे सके। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहरमा, मुझे खुशखबरी सुनाई कि बाबा ने आंखें खोल ली। अभी तक आंखें नहीं खोली। याया साहब आ गए हैं क्या? वो कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खिजर अलैहिस्सलाम कहा जाता है मेहरमा। अपने शिफा वाले हाथों से वो आका को ठीक कर देंगे। हमें इंतजार करना होगा, तुम दुआ करो। जरूरत कर सकता है इब्राहिम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हर सू दुश्मन फैले हुए हैं शहजादी? कोई भी हो सकता है। बस दुआ यही है कि पहले आका की सेहत बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। बाद में जो भी होगा मैं ढूंढ लूंगा, अपने हाथों से निकालूंगा उसका कलेजा। अगर होश ना आया तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर आका को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? दरअसल असल मसला इस खानदान का मुस्तकबिल है इब्राहिम। फौरन मुस्तफा को इसकी खबर भिजवानी चाहिए। इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी खजीना, आकर ठीक हो जाएंगे। इब्राहिम फिक्र ना करें, खुदा ना खास्ता जिसका डर है अगर वो हो गया तो शहजादे मुस्तफा को सलामती के साथ तख्त नशीन करवाऊंगा मैं। मलिका। रुस्तम आका, खबर सुनकर फौरन आया हूं। अल्लाह आका को उनकी औलाद की खातिर सेहत अता फरमाए। आमीन। उन जालिमों ने मेरे आका को जहर दे डाला, मेरे लिए कोई हुक्म है क्या मलिका? हमें इंतजार करना होगा रुस्तम आका, तुम यही रहो, मैं चाहती हूँ अपनी आंखें खुली रखो, क्योंकि वो गद्दार अभी तक यही मौजूद है, आजाद घूम रहा है वो। आप फिक्र ना करें मलिका। मलिका आप सदमे में हैं इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हर तरह की तैयारी रखने की जरूरत है हमें। शायद मेरे आका ऐसी बात अपने दिमाग से निकाल दो, कभी ज़बान पे मत लाना। मलिका आपके चार शहजादों की खातिर, उनकी सलामती की खातिर सोचने पर मजबूर है, खास तौर पर शहजादे महमद के लिए हुक्म कीजिए उन्हें महफूज मकाम पर पहुंचा दूं।
मेहमत। कल सुबह सूरज तुलू होगा या हमेशा के लिए तारीकी रहेगी मैं नहीं जानती, लेकिन जो कुछ भी हो जाए तुम्हारे सामने एक नई जिंदगी होगी। क्या मतलब वालिदा? बाबा की जान लेने की कोशिश करने वाले कल तुम्हारी भी जान लेने की कोशिश करेंगे। वो वक्त आने से पहले तुम्हें बहादुर बनना होगा, सीना तान के खड़े रहना होगा। सूरज जरूर तुलू होगा वालिदा, और इस तरह तुलू होगा कि सारे दुश्मनों की आंखें जलाकर उन्हें अंधा कर देगा। वो जालिम लोग यहीं पर है मेहमत, यहीं पर। तुम्हारे भाइयों के और तुम्हारे खात्मे के मुंतजर हैं वो लोग, मगर डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्हें ये मौका हरगिज नहीं दूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों की हिफाजत किए बगैर नहीं मरूंगी मैं, कभी नहीं। मेरे जर्राए दिल सुल्तान, इस दुनिया में मेरी वाहिद उम्मीद, मेरी असल हकीकत, जालिम मुकद्दर ने मुझ मुसीबत की मारी पर जुल्म से वार किया, मुझ नीम जान पर हिजर का तीर चला दिया। मैं ये असियत, ये तकलीफ कैसे झेल पाऊंगी? मुझे तो आपसे एक पल का हिजर भी गिरा गुजरता है, आपसे दूर रहना बहुत खलता है, नागवार गुजरता है। मैं ये सदमा कैसे सह पाऊंगी सुलेमान? आपको बिस्तर इस्तराहत पर नीम जान देखकर मेरी जान मुश्किल में है। ये अचानक आपको क्या हो गया सुलेमान? मैं इस हकीकत से बखूबी आगाह हूँ, मैं और आप चारों सिम्त से दुश्मनों के नरगे में हैं, उनके तीरों के नरगे में हैं। कोई कातिल लम्हा, कोई जानलेवा पल हम सबकी जिंदगी खत्म कर सकता है। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है सुलेमान, और इसके बाद अपनी औलाद की। मेरी मासूम औलाद बेजरर है, मगर वो भी दुश्मन की जद में है। खुदा उनकी हिफाजत फरमाए। या रब, ऐ रब्बे कुले कायनात, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरे बेपनाह खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। तू आसमां, जमीन और समंदरों का खालिक है, चींटी से लेकर हाथी तक सबका रासिक है। तेरी इनायत बेशुमार, तेरी रहमतें बेशुमार, तेरा करम, तेरा एहसान बेहद व बेहिसाब। ऐ मेरे प्यारे रब्बे करीम, मेरे सुल्तान को नई जिंदगी बख्श दे, इनकी सांसें बहाल कर दे, इनकी आंखें खोल दे, इन्हें अपने कदमों पर खड़ा कर दे। मेरे दुश्मनों के नापाक अजायम को खाक में मिला दे, मेरे दुश्मनों के गुरूर का सर नीचा कर दे, मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क को नई जिंदगी अता कर दे, मुझे और मेरी औलाद को भी खत्म कर दे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी सुन ली, मेरी दुआएं कबूल कर ली सुलेमान। मुझे क्या हुआ था? जहर दिया था, आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपको मुझसे छीनना चाहते थे। सुबह बखैर वालिदा। तुम्हें भी बेटे, आओ बैठो।
तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? सो नहीं सका मैं। एक ख्वाब देखा। दरअसल वो भयानक ख्वाब था। मुझे बताओ कैसा ख्वाब? मैं कमरे में था, इब्राहिम पाशा आए और कहने लगे आका बीमार है बहुत। कमरे में रोशनी इतनी ज्यादा थी कि मेरी नजर पाशा के साये पर गई। उनका सर नहीं था, उनके कांधों पर सर मौजूद नहीं था। मैं शब भर यही सोचता रहा कि इसका मतलब क्या है। तुम अपने जहन में बुरा ख्याल मत लाओ, खैरियत होगी, तुम फिक्र मत करो। आमीन। मुस्तफा, इब्राहिम पाशा ने पैगाम भेजा है, तुम्हें अब बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। हुरम ने फिरोजा को भेज दिया। कैसे भेजा? मुझे मालूम नहीं कुछ, लेकिन हुरम है वो, कुछ बईद नहीं है उससे। मैंने इसीलिए हिदायत दे दी है तश्जी अली को, हिफाजत के लिए इकदामात बढ़ा दिए हैं। मेरा इस वाक्य से क्या ताल्लुक? उस कम नस्ल का हदफ सिर्फ तुम हो, आज नहीं तो कल तुम पर जरूर वार करेगी। तुम्हें बाबा की नजरों से गिराने के अलावा वो तुम्हारी जान लेने के लिए हमला करेगी। आप खुशखबरी सुन लें पाशा मोहतरम, आका सहतियाब हो गए हैं। शुक्र है खुदा का। सलीम कैसा है? रियासत, जहांगीर सब ठीक है सुलेमान, उन्हें कोई खबर नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। शुक्र है खुदा का, रब ने आपको हम गुलामों की खातिर बख्श दिया आका। वाकये की तफ्तीश कर रहा हूं, इस वाकये के पीछे जो कोई भी हुआ उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा। मुझे अहले खाना के साथ अकेला छोड़ दो। जैसे आपका हुक्म आका। अल्लाह ना करे कि हमें इस सदमे से दोबारा गुजरना पड़े। आमीन। इब्राहिम, इस साजिश के पीछे जो भी है तुम्हें ढूंढना होगा, वरना हुरम ये मौका जाया नहीं करेगी, वो तुम पर और मुस्तफा पर इसका इल्जाम आयद कर देगी। खजीना, तुम महल चली जाओ अभी। इब्राहिम, फिक्र ना करो, हकीकत जो भी है वो आश्कार हो जाएगी। हमें तो सहमा दी आपने, सुबह होना मुश्किल हो गई, जैसे बहुत सी रातें गुजर गई हो। मेहर मां, तुम मुस्कुराती हो तो अच्छी लगती हो, पहुंच लो ये आंसू। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ, उस वक्त मैं आपके पास था, आप बिल्कुल ठीक थे।
मेहमत, मेहरमा, आप दोनों अपने कमरे में जाइए, बाबा को आराम की जरूरत है, बाद में मिल लीजिएगा। सुलेमान, आप आराम फरमाएं ताकि जितनी जल्दी हो आप सेहत याब हो जाएं फिर से। मेरी ताकत हो, कुवत तुम हो, अपनी दुआओं से मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया सुलेमान, अल्लाह बस याहिया साहब को खुश रखे, वो नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या राय है पाशा, ये कौन कर सकता है? पहले तो आका को जहर कैसे दिया गया है ये मालूम करना है नसुआ फंदी। ये दो तीन दिन का किस्सा नहीं है, वो जो भी है आहिस्ता आहिस्ता मारने की कोशिश कर रहा है आका को, लगता है कि महीनों पहले दिया गया था ये जहर। फिर तो कुछ भी हो सकता है, पढ़ने वाली किताब, पहनने वाला लिबास, खाने पीने की कोई चीज। मैंने एहतियातन आका के जेर इस्तेमाल रहने वाली हर चीज तब्दील करने का हुक्म दे दिया है और तहकीकात जारी है। मैं आका का सामान देखना चाहूंगा। जी हाँ जी हाँ। किराज आका। फरमाइए पाशा मोहतरम। अफीफा खातून से कहें कि आका के कमरे की जिम्मेदारी जिस पर भी है, आगा कालफा जो भी है, सबको बरतरफ किया जा रहा है और सबसे पूछगछ की जाएगी। आपका जो हुक्म। ऐसा कौन कर सकता है रुस्तम आगा? अगर कुछ मालूम है तो बताओ। कोई मालूमत नहीं पाशा, लेकिन जो भी है उसने बहुत पहले से तैयारी की हुई थी। हुरम सुल्तान की जानिब से आपसे एक गुजारिश है, वो बताने के लिए आया हूं। मलिका ने क्या हुक्म फरमाया रुस्तम आगा? मैं अपना सर झुकाता हूं उनके हुक्म के आगे। इस मामले की आप खुद तफ्तीश करें, वो ये चाहती हैं। मुझसे जो हो सका करूंगा, मगर इसकी तफ्तीश इब्राहिम पाशा कर रहे हैं। आप आका से मुलाकात करें, इस फरीजे का जिक्र करें, काफी होगा। सुलेमान, आप मेरे आफताब हैं, मेरे चेहरे को रोशनी आप ही अता करते हैं। अगर आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरी हयात। दुआ है मेरी अल्लाह से आपके साथ ये सलूक करने वाले को दोनों जहानों में सुकून नसीब ना हो। जो भी है इसका बदला अपनी जान से देगा हुरम। वो हमसे दूर नहीं है सुलेमान, आपसे कहा था अपनी आंखों पर मोहब्बत का पर्दा मत गिराएं, वो गद्दार यहीं कहीं है। अभी कल ही शहजादे मुस्तफा से किसने मुलाकात की थी भूल गए क्या? और उसके वापस आते ही ये हादसा सामने आ गया, क्या इसे इत्तेफाक कहेंगे आप? सुलेमान आपके दुश्मन आशकार है, आप दरअसल अपने दोस्तों से एहतियात करें। ओहो, वो भी उठा के लाओ ना। ऐसे ज्यादा अच्छा है आगा, गरम गरम। अल्लाह अल्लाह। बिलाल आगा, क्या तुमसे पूछगछ की गई थी? क्या वो छोड़ेंगे आगा? पसीने में नहा गया था वल्लाह, खुदा का शुक्र है आका ठीक हो गए, वरना मेरा बहुत बुरा हाल होता। वल्लाह सच कह रहे हो तुम,
पहले हमारा सर कलम किया जाता। आगा चले, देर ना करें, देर ना करें, ले जाइए थालियां। अरे जल्दी उठाओ ना। ये सुंबला का कहाँ है? मल्लिका सोना बांट रही हैं। आधा तो अपनी ही जेब में रख लिया होगा इसने। बिलाल आगा, अल्लाह के वास्ते जाकर उसे देखो, कहीं हमारा हिस्सा भी ना खा जाए कंजूस। ठीक है ठीक है। ओहो बस भी करो। सुनो लड़कियों, गौर से सुनो मेरी बात। खुशखबरी है सबके लिए, अभी सबको तोहफे दिए जाएंगे और बहुत सारा सोना भी है, और आज शाम ज़ियाफ़त होगी। ज़ियाफ़त खैर तो है आगा, ये सब क्यों बांट रही है मलिका? कहीं फिर उम्मीद से तो नहीं? तुमाम खाओ, गुटलियां मत गिनो। अफीफा खातून। क्या हो रहा है यहाँ? हो रहा, सुल्तान का दिल चाह रहा था अफीफा खातून। मालूम है ना, आका की सेहत याबी की खुशी में है ये सब। जरा ये मुझे दो। अफीफा खातून दूसरे भी दो। हाँ, एक रह गया है यहाँ। बस यही है, बोला मैं तो बारी बारी बांट रहा था सबको। तुम बांटोगे ये सब? जो हुक्म आपका। बारी बारी बांट रहा था मैं तो, किसे धोखा दे रहा हूँ? हाँ शकर आगा के साथ मिलके बांटोगे ना ये तुम? चल हट, वरना अपना गुस्सा तुम पे उतार दूंगा। मलून न जाने अचानक कहाँ से आ जाता है बकवास करने के लिए। चल दफा हो जाए यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं मैं। इब्राहिम क्या हुआ, मुजरिम का पता लग सका? तहकीकात तवील हो सकती है, जिसने भी किया है कोई सबूत बाकी नहीं छोड़ा। तुम फिक्र मत करो, जरूर ढूंढ लोगे उस गद्दार को। अगर मैं ना ढूंढ सका हसीना, और अगर इसका भी इल्जाम मुझ पर आ गया तो? देखा तुमने कैसे देख रहे थे आका मेरी तरफ। आका जानते हैं तुम उनसे कितने वफादार हो इब्राहिम, कभी शक नहीं कर सकते तुम पर। उनका दिल उन्हें हकीकत से आगाह कर देगा, और उनसे कुछ भी कह ले वो कभी भी उन्हें तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकती। सुलेमान आप क्यों उठ गए? आपको आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूं। ताजा हवा लेना चाहता था। तुम अपने कमरे में जाओ हुरम, तुम काफी परेशान रही हो। नहीं सुलेमान, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ बस। मेरी हुरम है मेरी शादमानी, मेरी सबसे बड़ी खुशी, मेरी हकीकत, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं। मैं ये कसम खाता हूँ, जिसे तुम नहीं चाहती मैं भी नहीं चाहूंगा। ये जान तुम पर फिदा ना की मैंने तो, मेरी जान का दर्द खत्म ना होगा, गम से खाली ना होगा।
इसकी मुसीबतें कम ना हो सकेंगी। मेरी आंखें तुम्हारे लिए अशबार ना हुई तो अंधी हो जाएंगी, कुछ भी ना देख सकेंगी। तुम्हारे सिवा किसी से उम्मीद बांधूं, वो उम्मीद पूरी ना होगी, पूरी ना होगी। और मैं टूटा हुआ दिल था मैं रहूंगा। तुम्हारी खातिर अगर मैं ना जी सका तो, तुम्हारी खातिर मौजूद ना रह सका तो मैं ऐसी मौजूदगी नहीं चाहता। ये खत्म हो जाए। जो लोग मेरे दुश्मन हैं, उन दुश्मनों के सामने मेरी कोई दुआ कबूल ना हो, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी रजा हासिल करने के सिवा कोई दुआ नहीं मांगता। तुम्हारे बगैर गुजरने वाला हर लम्हा हुस्न से आरी है, लेकिन क्या करूं कि रस्म दुनिया की खातिर औरों से राह रस्म रखना पड़ता है। यही रस्म दुनिया है, हमारी आंखों के सामने फैली ये दुनिया। मगर यकीन खातिर रखना, ये दुनिया तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। ये दुनिया मेरे लिए कोई वक्त नहीं रखती। ये बादशाह और ये बादशाहत कुछ हैसियत नहीं रखते। अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। खजीना सुल्तान से मिलना चाहती हूं मैं। आ जाओ। बादशाह मोहतरम, मुझे याद फरमाया आपने। अफीफा खातून, क्या आका के खिदमतगारों से आपने तफ्तीश कर ली, मुझे मालूमात दें। मैं माजरत चाहती हूं बादशाह मोहतरम, लेकिन आपको मालूमात फराहम नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब? मेरे आका ने तहकीकात अयास पाशा से करवाने का हुक्म फरमाया है। समझ गया, आप जा सकती हैं। मैं कसम खाती हूं शहजादी, मुझे एक ही दुख है, वो ये कि अपनी बेटी से बहुत दूर हूं मैं। तुम्हें उससे मिलने की इजाजत थी, अपने हाथों सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मुझे माफ कर दें शहजादी, आप भी तो एक माँ हैं। खुदारा मेरी बात को समझें, वैसे भी जाने वाली हूं मैं, और कुछ नहीं तो चंद रोज ही गुजार लूं उसके साथ। मैं इस मसले में कुछ नहीं बोल सकती निगार, इब्राहिम पाशा का फैसला ही है। शहजादी, इतना ही काफी है, तुम जा सकती हो। मैं फौरन तहकीकात का आगाज करूंगा आका। मेरे आका, आ जाओ। तुम जा सकते हो पाशा। आका, फीफा खातून ने बताया कि तहकीकात का इख्तियार अयास पाशा को सौंप दिया गया है। दुरुस्त है। क्या आपको मुझ पर कोई शक है मेरे आका? तुम तो मेरे यारे दरीना हो इब्राहिम, इतने बरसों से मेरी जान के अमीन रहे हो, तुम पर कैसे शक कर सकता हूं। तुम्हें इस तहकीकात से दूर रखने का सिर्फ एक ही सबब है। इस वाकये से तुम्हें दूर रखना चाहता हूं इब्राहिम। दूर रहो ताकि कोई भी तुम्हारे बारे में किसी भी किस्म का शक ना कर सके। Thank you.
के सब मेरे पास आओ, रुको नहीं, आ जाओ। इस्माइल खातून क्या क्या लाई हैं हमारे लिए? जो चाहो खातून, हसीन शॉल आतिशी रंग की, सया रंग की शॉल भी है, पुरकशिश जामनी रंग का कपड़ा, सब्ज रंग मनीषा के जंगल जैसा। ये बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा है, तुम पर खूब सजेगा, बाजार में ढूंढती रह जाओगी, कहीं नहीं मिलेगा ये। ये बहुत खूबसूरत है, तुम पर बहुत जचेगा। हाँ मुझे भी पसंद है ये। लड़कियों जरा आराम से देखो, ये कितना हसीन है ना। अस्मीर खातून। जी फरमाइए फदान खातून। तुम्हारा आज कैसे आना हुआ, खैर तो है? नया माल आया है तो सोचा दिखाने आ जाऊँ। तुम आइंदा ऐसे नहीं आओगी, मेरी बात समझ गई हो ना? गुस्सा ना करे फिदान खातून, सबसे कीमती कपड़ा तो आपके लिए लाई हूँ। लड़कियों तुम सब कपड़ा देखो, मैं अभी आती हूँ। वो वाला मुझे तो पहले मैंने देखा था, तो भेगा क्या था, तुम कोई दूसरा पसंद कर लो। क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, वो दरअसल मैं रास्ता भूल गई थी, कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। रुक जाओ तुम, आगा इसे पकड़ लो फौरन। आप ऐसा ना करें, मेरी कोई गलती नहीं। क्या है ये खातून? तुम्हारी खबरें तवातर से मिल रही हैं। तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा और खुद को आश्कार होने से रोकना भी होगा। अनकरीब एक अहम काम सौंपा जाएगा, उस वक्त तक शहजादे और मलिका के और ज्यादा करीब होने की कोशिश करो। ये किसके लिए लाई थी तुम? मलिका मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ वहाँ रख देती हूँ, वहाँ से कौन लेता है इसकी खबर नहीं मुझे। किसने दिया है ये तुम्हें खातून, बता मुझे। मैं नहीं पहचानती मलिका, हर दिन एक नया आदमी रोका देता है मुझे। बता दो सच क्या है, तुम्हारी जान बख्श दूंगी। हकीकत यही है मलिका, मैं कसम खाती हूँ मैं किसी को नहीं जानती। कब से लेकर आ रही हो मकतूब तुम यहाँ पर? 4-5 महीने हो गए। 5 महीनों से तुम आ रही हो? कौन भेजता है ये और किसे भेजता है ये तुम्हें नहीं मालूम? क्यों ऐसा ही है ना? मुझे अपनी औलाद देखनी नसीब ना हो, मैं सच कह रही हूँ मलिका। इसे जिंदान में डाल दो, वहाँ बैठकर सोचती रहना, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। मलिका रहम कर दे, गलती हो गई मलिका। नूरम ने भेजा है, हमारी नाक के नीचे उसके जासूस घूम रहे हैं। अब क्या करें मलिका? जाओ तुम इसे वहीं रख दो, देखते हैं कौन लेने आता है, जल्दी जाओ। فرمائیے قاضی صاحب۔ ماہ رمضان میں پائے تخت کے لیے کچھ ضروری قوانین قلم بند کر دیے ہیں میں نے، انہیں آقا کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اگر مناسب سمجھیں گے تو اپنا فرمان جاری کر دیں گے، تاکہ اسے بازاروں کے دکاندار تاجر سب پڑھ لیں غور سے۔ جو آپ کا حکم قاضی صاحب۔ ابو سعود صاحب۔ خیر تو ہے خاتون، کیا ہوا؟ دروازے پر کچھ لوگ آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہ نیچر ہیں، احمد کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں وہ کچھ۔ فکر ہو رہی ہے مجھے، اس پر کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی، اللہ نہ کرے۔
निकालो मुझे यहां से। बाबा मतलब यहां पहुंच गए तुम? हाँ खुदारा मुझे यहां से निकाले बाबा। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने किया क्या है। कसम से मेरी कोई गलती नहीं है बाबा। कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? हाँ तुमने एक हंगामा खड़ा कर दिया है। तुम उस आदमी को जान से मारने वाले थे, उसे मुश्किल से तुम्हारे हाथों से छुड़ाया है। उस आदमी के गवाह मौजूद हैं, तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। बाबा खुदारा मुझे यहाँ से निकालें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा। ये सब पहले सोचना चाहिए था तुम्हें पिसर, यही होना था। तुम्हारी वालिदा ने कितनी मिन्नतें की तुम्हारी, तुम्हें कितनी नसीहतें की, लेकिन तुमने एक कान से सुनकर दूसरे कान से हमेशा निकाल दी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। खुदारा निकाले, मेरी सांस घुट रही है यहाँ पर। तुम हमें कैसे हाल पर ले आए हो, सद अफसोस तुम्हारे जैसी औलाद पर। मैं क्या कहूंगा अब तुम्हारी वालिदा से, सबको ये मालूम हो जाएगा। मैं कैसे सामना करूंगा लोगों का? बाबा कोई रास्ता ढूंढ ले मेरे लिए। मेरा फर्ज है मुजरिमों को सजा देना, उन्हें आजाद करना नहीं। मैं इसलिए नहीं कर सका, तुम्हारी जिंदान की ठंडी दीवारें कर देंगी। बाबा बाबा वो क्यों आई थी यहां? अपनी बच्ची को देखना चाहती थी इब्राहिम, वो काफी नादिम है अपने किए पर। उसे ये सब मेरी बेटी को अगवा करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि वह दोबारा ऐसी कोई जरूरत नहीं करेगी अब, उसे सबक मिल चुका है। मिलने दो उसे। आप मेरे सामने निगार का दिफा करेंगी हसीना? मुझे निगार की कोई परवाह नहीं है इब्राहिम, लेकिन बच्ची का क्या कसूर है इसमें? आओ। पाशा मोहतरम, नसुआ फंदी तशरीफ लाए हैं। भेज दो। पाशा, शहजादी, माजरा चाहता हूं कहीं मैं मुखल तो नहीं हो रहा। मैं ऊपर जा रही हूं इब्राहिम। नसुआ फंदी। आओ मतलब जी, आओ। पाशा आका को किसने जहर दिया क्या मालूम नहीं हो सका? तुम ये बात आयास पाशा से पूछो मतरक जी, आका ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है। क्यों? आका ने मुझसे शक हटाने के पेश नजर ऐसा किया है। शक हटाने के लिए? हाँ, शहजादे मुस्तफा से खुफिया मुलाकात का सिला है ये। उसके फौरन बाद ये हादसा हो गया। तुम कैसे आए? काजी साहब का बेटा अहमद चलेबी, उसने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। क्या किया है? अहमद कहां है? जिसका खदशा था वही हो गया खातून। क्या हुआ मेरे पिसर को? जिंदान में डाल दिया गया है। वो एक आदमी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। उसके जुर्म के शाहिद मौजूद हैं। उन्होंने उसकी शिकायत की है। या अल्लाह, क्या हो गया? कुछ करें साहब, लेकर आए मेरे पिसर को। मेरे हाथ में कुछ नहीं खातून, उसे सजा भुगतनी होगी, भुगतनी होगी, भुगतनी होगी। वालिदा, मुझे याद फरमाया आपने। तुम्हारी काफी देर से मुंतजर हूँ, कहाँ रह गए थे तुम? दरबार तवील हो गया था, मसला क्या है? शहजादी, मुझे इजाजत दें। तुम भी ठहरो, तुम्हें भी इल्म होना चाहिए।
हम महफूज नहीं है मुस्तफा, हरम में कोई है, किसी को भेजा गया है तुम्हें कत्ल करने। ये क्या कह रही हैं आप? तुमसे कहा था ना एहतियात करने के लिए मुस्तफा, हमें फौरन जान छुड़ाना होगी। आपको ये कैसे मालूम हुआ? एक कपड़ा फरोश औरत पकड़ी गई है, वो महीनों से मकतूब लेकर आती थी यहाँ। खातून क्या हुआ तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो खातून? आप खातिर जमा रखें, जो भी होगा हम उसे ढूंढ लेंगे। मलिका, कपड़े वाली खातून को गिरफ्तार करके मार दिया क्या? नहीं, खामोशी से जिंदान में डलवा दिया है। आला, जासूस जो भी है वो खत लेने के लिए वापस जरूर आएगा। आओ। शहजादी, मलिका। क्या हुआ फिदान, जल्दी बताओ किसने उठाया वो मकतूब? मलिका, मैं आपके हुक्म के मुताबिक निगरानी कर रही थी तो किसी ने मेरे सर पे कुछ दे मारा। जब मुझे होश आया तो दियाना मेरे पास खड़ी थी और मकतूब गायब था। अल्लाह गलत करे तो मैं कभी कोई काम पूरा नहीं करती। माजरत चाहती हूँ मलिका, मैं झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहती लेकिन उस पर मुझे शक है। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं ही उसे लाया था। कोई भी हो सकता है शहजादे, क्या मालूम वो खातून रूप बदल कर तुम्हारे सामने आई हो। तशी अली, उस कपड़े वाली खातून से तफ्तीश करो ताकि मालूम हो वो कौन है और क्या कर रही है। खैरियत है खातून? खातून, तुमसे कह रहा हूं, तुमसे। कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हो? कैसे ढूंढेंगे अब उस गद्दार को? कैसे हुआ मैं समझ न सकी मलिका, चोट लगने से मैं बेहोश हो गई थी। जो होना था वो हो गया वालिदा, तजी अली ढूंढ निकालेगा उस खातून को। यही पर है वो 4-5 महीनों से मुस्तफा, अल्लाह जाने आगे क्या होगा अब। फिदान, फातिमा को खबर करो फौरन, मेरे पोते को बिल्कुल अकेला ना छोड़े, मेरे दरवाजे पर एक और मुहाफिज तैनात करवा दो। आपका जो हुक्म मलिका, लेकिन दियाना को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उससे भी पूछताछ करनी चाहिए हमें। जैसा कहा है वैसा करो तुम, चलो जाओ। आओ। शहजादे मोहतरम, मलिका। क्या हुआ तशियाली, तफ्तीश की खातून से कुछ उसने बताया? मुझे अफसोस है शहजादे, खातून को किसी ने मार दिया, जिंदान में वो मरी हुई मिली। इसका मतलब जिसकी तलाश थी उसने खातून की जुबान बंद कर दी। तशियली, खातून के अहले खाना का मालूम करो, यकीन है उसका कोई रिश्तेदार या अजीज होगा। किसी को खबर हुए बगैर ढूंढोगे उस जासूस को तशियली। हरम में सब लोगों से पूछताछ करो, खास तौर पे गुज़िश्ता 6 माह में आने जाने वालों से। जो हुक्म शहज़ादे। हिफाजती इकदाम को मजीद बढ़ा दो। मुझे भी नींद नहीं आ रही। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं? महमत का सोच रही हूँ, उसे फने हर्ब सीखने इतनी जल्दी भेजने पर मुतमईन नहीं हूँ। आप अपने फैसले पर। फैसला करके ही आया था मेरे पास, उसे अपने ऊपर एतमाद है, मना नहीं कर सकता था। एक दिन बिल्कुल जाना होगा उसे, लेकिन अभी नहीं, वो अभी बहुत छोटा है।
कुछ अरसा हमारे साथ रहकर तजुर्बा हासिल कर ले। असल तजुर्बा फने हर्ब सीखने के बाद आता है हुरम। तुम क्यों खौफजदा हो? अगर कोई साजिश हो गई सुलेमान, मुझे और आपको मेहमत से जुदा करना चाहते हैं कुछ लोग, हमें पूरी तरह से बेबस करके खत्म करना चाहते हैं। हुरम, मैं बहुत खौफजदा हूँ। अभी कल ही जिन लोगों ने आपको जहर दिया था, अब हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे, अल्लाह ही जानता है। निकाल कर फेंक दो इस वसवसे को। कोई भी मेरे होते हुए तुम में से किसी को भी जरर नहीं पहुंचा सकता। शहजादे, फने हर्ब सीखने के लिए आप कहाँ जाएंगे? मुझे अभी मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि आमासिया भेज दिया जाऊं मैं। क्या मुझे भी अपने हमरा लेकर जाएंगे आप? ये कैसा सवाल है? तुम मेरी कनीस हो, मैं जहां भी जाऊंगा तो मेरे साथ जाओगी। हर खास आम के लिए है, बादशाह सलामत का फरमान हुमायूं सुनाया जाता है। रमजान शरीफ के महीने में हर कोई अपने दुनियावी फायदों से ज्यादा अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करे और हर कोई अहकामात की वजह आवरी करे। रमजान के महीने में हर कोई पांचों वक्त की फर्ज नमाजें जमात के साथ अदा करेगा। तरावीह के वक्त सल्तनत के पहरेदारों के अलावा जो कोई भी हो, इशा की नमाज पढ़ने के बाद दुकानों में आने के बजाय रमजान की बरकतें हासिल करने के लिए तरावीह की नमाज अदा करेगा। नमाज ना पढ़ने वाला और अपनी दुकानें खुली रखने वाला कड़ी से कड़ी सजा का हकदार होगा। मुसलमानों के लिए रोजे रखने के साथ ये फर्ज निहायत अहम है। इन अय्याम मुबारक में मर्द हजरात नमाज बाजमात पढ़ने के लिए अपनी मसाजिद छोड़कर यकजा होकर मस्जिद बियाजत में आएंगे और ये बात गौर से सुन लें कि वहाँ आने वाली खवातीन के करीब नजर आने वाले या उनकी इबादत में खलल डालने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। खवातीन की नमाज और वाज सुनने के लिए आने वाली खवातीन वक्त का खास ख्याल रखेंगी। नमाज के वक्त के अलावा मस्जिद के अतराफ में नजर नहीं आएंगी, वरना उन्हें भी सजा दी जाएगी। काजी साहब, जोहर की नमाज तक तीन अहम मुकदमात निपटाने निहायत जरूरी हैं। पहला सोलकजादे हिकमत साहब की जमीनों का मसला है, दूसरे का ताल्लुक मीरास से है और जायदाद की तकसीम का तनाजिया भी है। काजी साहब, वजीर आजम इब्राहिम पाशा तशरीफ लाए हैं। आपको सुबह बखैर काजी साहब। आपको भी सुबह खैर वजीर आजम मोहतरम। लोग आपके दरवाजे पर मुंतजर हैं, आप काफी मसरूफ हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अस्तगफुरुल्लाह पाशा मोहतरम, आइए जाओ। काफी दिनों से आपके बेटे अहमद चलेबी से मिलना चाह रहा था, मिलना नसीब में आज लिखा था। वो यहाँ मौजूद नहीं है पाशा मोहतरम। मुझे खबर है इस बात की, क्योंकि वो मेरे साथ आया है। अहमद चलेबी, आओ यहां करीब आओ।
इसके अलावा रातों को गलियों में हल्का बनाकर बैठने पर और रास्ते में रुकावट डालने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। खवातीन बारीक कपड़े इस्तेमाल नहीं करेंगी और उन्हें बाजार और गलियों में अपने लिबास और रवैये में एहतियात करना होगी और असर की अजान से पहले सब अपने घरों में चली जाएंगी। तमाम मुसलमान और दीगर मजाहिब के लोग दिन में बाहर कहीं भी खाना खाते नजर नहीं आएंगे और ना ही पानी पिएंगे और रातों को कोई भी गलियों में लालटेन के बगैर नहीं निकलेगा। मोहल्ले वाले दुकानदार और दीगर हजरात अपनी दुकानों में और घरों में और घरों के बाहर भी हर तरह से सफाई सुथराई का खास ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ खुद को भी पाक साफ रखना होगा। ये बात भी जान लें, एक दूसरे को परेशान करने और नुकसान पहुंचाने से हर किसी को परहेज करना होगा और जो कोई भी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा और जो रमजान के महीने का अदब नहीं करेगा उसे बादशाह के हुक्म के मुताबिक इबरत जमाना के लिए शर्मनाक सजा दी जाएगी। ये जान लें, दीन अदब और इज्जत की बेहुर्मती करने वाले और खुद को अनजान समझने वाले और माज़ अल्लाह ताला हलाल और हराम में फर्क बिल्कुल न करने वाले सरेआम जलील और रुस्वा किए जाएंगे। ये तमाम अहकामात आप सब लोगों को मालूम होने चाहिए। मैं आपकी औलाद को एक मुफक्किर के तौर पर जानता था और इसके बारे में कभी कोई शिकायत भी नहीं सुनी। इसके अलावा ये अपना फर्ज बड़ी काबिलियत से निभा रहे हैं, लेकिन बास बुरी आदतें हैं, मसलन शराब नोशी। अल्लाह रास्ते से भटकने वालों की इस्लाह करे पाशा। आमीन आमीन। आखिर हम इंसान की ही औलाद हैं, क्यों है ना काजी साहब? दुरुस्त बात पर कैसा इतराज। अगर कोई शख्स इस्तांबुल का काजी भी हो तो क्या फायदा, उसकी औलाद तो मैखाने में मदहोश पड़ी रहती है। और एक शख्स ऐसा था जो माहिगीर था पारगा में, लेकिन उसकी औलाद इतनी अजीम तुर्क सल्तनत के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज है। इस पुल के नीचे से अभी बहुत सारे पानी को गुजरना है पाशा मोहतरम। अहम तरीन बात इंसान का किरदार है। अगर किरदार मजबूत है तो एक दिन सिराते मुस्तकीम को पा लेता है। अगर किरदार मजबूत नहीं है तो सारा आलम भी अगर मिल जाए वो गुमराह हो जाता है। अहमद चले भी। फरमाइए पाशा। बाबा के एहसानात बहुत हैं, सिर्फ इसी वजह से तुम्हें माफी दिलवा रहा हूं, लेकिन आज के बाद तुम एहतियात करोगे, तुम अपने इज्जतदार घराने पर कोई आंच ना आने दोगे, खुदा ना खास्ता किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सबब रुस्वा हो गया मैं, पैदा ही ना होती तुम जैसी औलाद। अहमद मेरे बेटे। सब ठीक है? तुमने खुद को तो जलील करवाया ही करवाया, हमें भी जलील और रुस्वा कर दिया। फिर निकाल दे मुझे घर से, छूट जाएगी आपकी जान। ऐसा ना करें साहब,
नादिम है अपनी गलती पर। आईने कभी दुख नहीं देगा आपको। मुझे दोबारा नजर मत आना, निकल जाओ मेरे घर से अभी और इससे बात। आका, इज्जत अफजाई की है आपने मेरी, खुशामदीद, खुशी हुई यहां देखकर। कैसे हो या? तशरीफ रखे आका। आओ। अगर इसे कबूल करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी मेरे भाई। आपके हाथों तोहफा मिलना मेरे लिए शर्फ की बात है आका। मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकता, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फरिश्ते की तरह पहुंच गए तुम, वरना क्या मालूम मेरी क्या हालत होती। इब्राहिम पाशा सलामत रहे, वो बताते खुद मुझे यहां से लेकर गए थे। जमरुद आका, तजिया अली की कोई खबर है क्या? मुझे नहीं मालूम शहजादी, मैंने उनके बारे में पूछा भी लेकिन कोई खबर नहीं। उस मकतूब का क्या हुआ, तुमने भेज दिया? भेज दिया है शहजादी, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह किसी के हाथ नहीं लगेगा। शहजादी, खैरियत से होंगी आप खुदा के फजल से? आप इसका बहुत ख्याल रख रहे हैं रसीमा का, काफी सेहतमंद हो रहा है। शुक्रिया। अगर आप सवारी करना चाहें तो? नहीं, मैं। शहजादी, मुझे अपनी मदद की इजाजत दें, आपका बैठना काफी होगा, मैं आपके साथ रहूंगा और जमरुद आगा भी यहाँ है। पता नहीं, इसकी लगाम को मैं मजबूती से थामे रखूंगा और यूं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहां से वापस जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? तुम मेरे साथ ही रहना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आइए चलते हैं। आका, आप काफी परेशान लग रहे हैं, जहर वाले मसले के मुतालिक कुछ मालूमात मिली है क्या? नहीं, मैंने ख्वाब देखा था याया, अपनी बेहोशी से एक रात पहले। कैसा ख्वाब आका? मैं अपने बिस्तर पे दराज था, अचानक शोर उठा और बिजली जोर से चमकने लगी। मैं दालान की तरफ गया लेकिन खुद को एक घने जंगल में पाया, बहुत ही तारीक और वीरान जंगल में। मट्टी, दरख्त, मैं कुछ देर तक चलता रहा। जंगल में मुझे अपना तख्त दिखाई दिया था, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। तख्त के पीछे एक साया था, तख्त पर बैठने वाले के हाथ में एक तलवार थी, खून में लथपथ। पीछे खड़े साए के हाथ में एक थैला था। बताओ मुझे मेरे भाई, क्या है इस ख्वाब की ताबीर? ये अलामत किस बात का इशारा करती है? आका, लगता है कोई बड़ा फैसला करने में आपको परेशानी का सामना है। शायद आप दुरुस्त फैसला करने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। कैसा फैसला है कि मेरी नींदें उजाट हो गई हैं? किस बात का और कैसा फैसला है वो? उस अंधेरे जंगल में आपने जिनको भी देखा, वो उनके हक में है आका।
अच्छा बताओ मुझे मेरे भाई, क्या है इस फैसले का नतीजा? खैर है या शर है? वो खैर भी है और शर भी है, क्योंकि आपका फैसला आपको जिस कदर मुतमईन करेगा उस कदर ही आपको गहरा दुख भी देगा। आओ पाशा। खैर तो है, तुम क्यों इतने परेशान हो मतलब जी? फिरोजा खातून, आका के हुक्म के मुताबिक वो आमसियां नहीं गईं। ये सब कैसे हो सकता है? अहले अजम ने उनका रास्ता रोक लिया था, या तो कोई मुखबरी हुई होगी या फिर अहले अजम के जासूसों ने किसी तरह मालूम कर लिया होगा। बस यही कमी रह गई थी। शुक्रिया रुस्तम आका। मेरा फर्ज था शहजादी, आप जब भी चाहें खबर कर दें, वक्त के साथ आपका ये खौफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ। बा अदब हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। महरमा, वालिदा, रुस्तम आगा ने मुझे घुड़सवारी के लिए कॉल कर लिया, मैं घूम रही थी। वाकई? खैर, अब दोबारा जब ये आए तो मुझे खबर देना। जी जरूर। जुमरुद आगा, शहजादी को इनके कमरे तक ले जाओ। रुस्तम आगा, तुमसे बात करनी है मुझे। अहम। आओ। आका, इब्राहिम पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो। मेरे आका, मुझे बताया गया है कि आप भेष बदलकर बाहर गए थे। मेरे आका, फिलहाल आपकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं। मैं कुछ घूमना चाहता था, कोई मसला है क्या? फिरोजा खातून के मुतालिक की खबर मिली है, आमसिया महल जाते हुए उनका रास्ता रोक लिया था अजम के जासूसों ने। लगता है कि उन्हें उनके मुल्क वापस ले गए हैं। इसका मतलब है मेरे हुक्म की तामील नहीं की जा रही। मेरे आका, अगर कुछ और नहीं कहना तो जा सकते हो। यहिया साहब जहर वाले हादसे को 2-3 दिन का हादसा नहीं बता रहे, शायद इस हादसे के पीछे। तुम्हारा मतलब ये फिरोजा ने किया होगा? एक शक है। अगर मैं शक को हकीकत मान लूं तो सबके सर कलम हो जाएंगे। इब्राहिम पाशा ने शहजादे मुस्तफा के साथ मिलकर आका को सहर दिया है, इसी वजह से हुई थी वो मुलाकात। लेकिन मलिका, वो जहर महीनों पहले दिया गया था ये सुना है। रुस्तम आका, क्या मालूम सच है कि नहीं? अब किसी पर भी एतमाद नहीं रहा मुझे, और पाशा का शहजादे के साथ ये इत्तेहाद कोई नया नहीं। वो जब से गए हैं तब से मुसलसल रबते में है एक दूसरे के, इनकी नीयत साफ नहीं। इंतजार करने में ही फायदा है,
क्योंकि एक साथ इतने हादसों के बाद आका और पाशा के तालुकात में दरार पड़ जाएगी। रुस्तमाखा, मुझे भी इसी बात का डर है। इब्राहिम कुछ खोने के डर से कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हमें फौरन हरकत में आना होगा। क्या है आपके जहन में मलिका? याह्या साहब, यह आपके लिए आया है। तुम जा सकते हो आगा। मेरी आंखें नींद से नाश्ता हो गई हैं। बस तुमसे बिछड़ने का मंजर याद है। अब दोबारा मिलना मुमकिन नहीं लगता। वारिदा को अगर ये मालूम हो गया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी तुम मुझसे लिखने का तकाजा करते हो, ये मेरे लिए खुशी का बायस है। बच्चे सो रहे हैं क्या? सो गए हैं। इब्राहिम, क्या हुआ तुम्हें? मैं बरसों से आका कर फीक रहा हूं, बहुत कुछ देख चुका हूं, लेकिन कभी मैंने खुद को ऐसा महसूस नहीं किया था आज तक। इब्राहिम, आका सोच रहे हैं कि मैंने उनकी जान लेने की कोशिश की। अगर ये शक भी है तो ये उनके अंदर मौजूद है। क्यों, कुछ कहा क्या उन्होंने? कुछ कहने की जरूरत नहीं, सूरत हाल सामने है। आज फिरोजा खातून के बारे में खबर मिली थी। खातून को उसके मुल्क फरार करवा दिया गया है। मुझे जैसे ही मालूम हुआ तो मैं उनके पास गया, आका को बताया। शायद जहर देने वाली वही थी। तुम दुरुस्त कह रहे हो। खातून बरसों तक हरम में मुकीम रही, हम सबको धोखा दिया। क्या मालूम उसी ने किया हो। आका ने क्या कहा फिर? मेरी नहीं सुनी, नहीं सुनी मेरी। हुरम उनकी समाज में जो बात डालती है, शायद वो उसी पर यकीन रखते हैं। ये मुमकिन नहीं है इब्राहिम। आका उस पर यकीन नहीं करेंगे कभी। आ जाओ। सुलेमान। खुश आमदीद हुरम। अभी मेहरमा से मिली, कह रही थी कि आपके साथ थी वो। हाँ बिल्कुल, हमने खूब बातें की। मेहरमा और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ है? उसने कुछ कहा है क्या? नहीं, काफी दिनों से मैं मुशाहिदा कर रहा हूं। मैं चाहती हूं कि उसकी तरबियत इस खानदान की शान के मुताबिक करूं,
और वो है कि अपने दर्द की तरफ तवज्जो ही नहीं देती बिल्कुल। मेहर माँ को मैं क्यों इतना चाहता हूं कभी सोचा है तुमने? क्योंकि वो तुम जैसी लगती है, बिल्कुल तुम्हारी सूरत। खुदा बंदा नहीं मुश्ताक में सरू सुनोबर का, परोसे हशर मेरे सर पे हो साया समन भर का। गया हूं जान से फिर भी एक तड़प बाकी है, खुदा जाने मैं मिसबू हूं किस दस्तो खंजर का। पड़ा रहता है अक्सर राह में दामन तराजों के, ये सर मुश्ताक है क्या जाने किन पैरों की ठोकर का। जवाब नामा तो मालूम है उसी के पास से आता है, कोई पर उड़ते उड़ते शायद आ पहुंचे कबूतर का। गर्ज हर वक्त रोते ही रहे हम अपने दिल के मातम में, ना सूखा एकदम रुमाल अपने दीदे तर का। गए दिन वो मुहिब्बी जब हम सुख की नींद सोते थे, किया नालों ने मेरे फिर बपा हंगामा महशर का। इब्राहिम, आज महल जाना जरूरी है क्या? मसरूफ तो नहीं? किस लिए? बच्चों को लेकर बाहर चलते हैं कुछ देर, क्यों ना शिकार सराय चले? काफी दिनों से तुम परेशान हो, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है फिर, अगर जाना है तो कुछ दिन क्याम कर लेंगे वहां। आया पाशा मोहतरम। कहो। ये आपके लिए आया है। इब्राहिम पाशा, हमारे दरमियान जो मसला है इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम कोई समझौते का रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम्हारा जवेसली के जेर तामीर महल में इंतजार करूंगी। क्या हुआ? पाशा मोहतरम, हुरम सुल्तान आपका इंतजार फरमा रही हैं। यहीं ठहरो तुम लोग। पाशा, मैंने कहा यहीं ठहरो। जो हुक्म आपका पाशा। पाशा, खुश आमदीद इब्राहिम।
आप मुझसे ऐसी क्या खास बात करना चाहती थी? मसला तो मालूम होगा, शहजादे मुस्तफा के साथ साजिश कर रहे हैं, मैं जानती हूँ इस बात को। उसे तख्त नशी करवाना चाहते हैं, इसी वजह से आका को जहर दिया, क्यों ऐसा ही है ना? ये भयानक इल्जाम है, या फिर आप इसे साबित करें वरना खामोश होकर बैठ जाएं। यानी अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं? कहीं आपने ही तो आका को जहर नहीं दिया? ये कैसा सवाल है? फिक्र मत ना, मैं किसी बात का इल्जाम नहीं लगाऊंगा आप पर, क्योंकि मुझे यकीन है आपने नहीं किया। लेकिन मेरा तो फर्ज है तलाश करना मुजरिम को, जिस तरह से आपका ऐसा करना मुमकिन नहीं है, ठीक उसी तरह मेरा भी ऐसा करना किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फिर शहजादे से मुलाकात क्यों की थी? हाँ, मैं पहले ही आका को वजाहत दे चुका हूं, उनके सिवा किसी के सामने जवाब दे नहीं हूं मैं। खता हुई आपसे पाशा, अब आप जो भी कहें, आका किसी भी जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते। कोशिश करके देख ले, लेकिन नाकाम रहेंगे। क्या ये सब बातें करने के लिए मुझे बुलवाया? मेहमत मौसम गर्मा में फने हर्ब सीखने जाएगा, उसके जहन में आपने बिठाई है ना ये बात? हर शहजादा फने हर्ब सीखने जाना चाहता है, मकसद मालूम है, बेटे के साथ साथ मुझे भी दूर करना चाहते हैं आका से। इसके बाद अगला कदम क्या होगा इब्राहिम? हमें मरवा देंगे क्या? मैं समझ रहा था कि मुझे किसी समझौते के लिए बुलाया गया है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त, आपके साथ एक समझौता करना चाहती हूं मैं। अभी फौरन आप आका के पास जाएंगे, अपनी मोहर उनके हवाले करके अपने तमाम ओहदों से मुस्तफी हो जाएंगे। इसके बाद पाया तख्त दोबारा कभी वापस ना आने के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? जिंदगी इब्राहिम, आपकी जिंदगी बख्श दूंगी, ये है समझौता, फैसला आप पर है। एक शाहीन एक कबूतर से समझौता नहीं करता कभी भी, क्योंकि कबूतर हमेशा कमजोर और लाचार होता है, लेकिन शाहीन उसे जब चाहे चीर फाड़ कर खत्म कर सकता है। क्या यह आपका आखिरी फैसला है इब्राहिम? तो ठीक है, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका, Thank you.
मलिका, क्या हुआ संभल? तुम खौफसदा तो नहीं हो रहे? कसम से इनकार करूं तो झूठ होगा। इब्राहिम पाशा को कमजोर मत समझें आप, बरसों से वजीर आजम रहे हैं, सालार आजम। इसके अलावा उन्होंने आका को जहर दिया, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। कैसे? उस रात उनकी हालत देखी थी मैंने, आपकी तरह वो भी सदमे में थे। संभल आका, जो दिखाई दे रहा है उसे धोखा मत खाओ। गद्दार अपना असली चेहरा कभी भी नहीं दिखाता, याद रखना। शहजादी, हुरम, तुम यहाँ अचानक इस वक्त क्यों आई हो? सोचा कि क्यों ना मुलाकात का शर्फ हासिल करूं।
ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, असल मकसद बयान करो। क्या चाहती हो? इब्राहिम पाशा यहाँ है क्या? नहीं। क्या तुम यहाँ उनसे मिलने आई हो? बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि उनसे इदारे के बारे में मशवरा कर लिया जाए। खैर तो है आगा, रास्ता भूल गए क्या? सब खैर है निगार, बस बाजार में मुझे कुछ काम थे, गुजरते हुए सोचा हाल अहवाल पूछ लूं तुम्हारा। अच्छा किया आगा, आओ बैठो। अच्छा शुक्रिया। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए आगा? हाँ, सिर्फ मुझे पानी पिला दो, बैठूंगा नहीं मैं ज्यादा देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूम ही है मुबारक रमजान का महीना आने वाला है। अफीफा खातून को तैयारियों का हुक्म दे दिया है मैंने। इसके अलावा फलाही इदारा इस मुबारक महीने में कार्य खैर अंजाम देने का आगाज कर देगा। तो क्या अपने गुनाहों का बोझ इस तरह कम करोगी हुरम? मुझसे आप इतनी नफरत करती हैं कि असल गुनाहकार आपको दिखाई नहीं दे रहा। कौन है वो? अगर इब्राहिम की बात कर रही हो तो वो तारीख राहों का मुसाफिर है शहजादी, शब की गहरी तारीखियों का असीर है। तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? इब्राहिम पाशा पर एक ऐसी तोहमत लगी है जिसके सबब आपके महल पर गहरी और सिया घटा छा गई है हमेशा के लिए। तुम एहतियात से बात करो हुरम, आका को जहर देने से इब्राहिम का कोई ताल्लुक नहीं, या नामुमकिन है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। समझ गई मेरी बात? वो इतने बरसों से आका के वजीर आजम है और अपने फराइज बहुत जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं, फिर तुम कैसे उन पर ये इल्जाम लगा सकती हो? अगर ये सच हुआ शहजादी, ऐसा शक दरमियान में होते हुए आप उनके साथ ही जिंदगी कैसे गुजार सकती हैं? पानी की तरह ताजा रहो निगार। रुस्तम आगा के साथ कैसी गुजर रही है? सब आफियत होगी इंशाल्लाह। क्या बताऊं आगा, बस गुजर रही है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ओहो, भूखे तो नहीं हो तुम, फाके तो नहीं कर रही हो? शुक्र करो तुम निगार। औलाद से बढ़कर किसी चीज की कोई कीमत नहीं होती आगा। देखो देखो जरा, नाखून कभी भी गोश्त से जुदा नहीं हो सकता, यकीनन एक दिन वो तुम्हारे पास होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? चार दिन की जिंदगी है निगार, कल क्या हो जाए कौन जान सकता है, तुम बस अपने दिल को मुतमईन रखो। कुछ छुपा रहे ना आगा? अरे कुछ नहीं, वैसे तुम कब जा रही होती के? रुस्तम आगा ने 2 हफ्तों का कहा है, वो नहीं चाहते, जानबूझ कर टाल रहे हैं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। रुस्तम आगा खुश आमदीद। खैर तो है संबुल? गुजर रहा था तो सोचा चक्कर लगा लूं। ठीक, खातून मुझे भी कुछ पानी पिला दो। रुस्तम आगा, शदीद फिक्र लगी है, कोई खबर है, कुछ हो सका क्या? अभी तक नहीं, लेकिन जिंदा नहीं निकलेगा वहां से। या सत्तार, अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमाए या रब्बल आलमीन। या अल्लाह खैर, तुम मेरे साथ आओ और तुम लोग अतराफ में देखो। या अल्लाह, पाशा पाशा, इब्राहिम पाशा, पाशा पाशा।
आप ठीक तो हैं? आगा, यहां ठहरो तुम लोग। अपनी चादर जो मिले लेकर आओ, जख्म को लपेटना होगा। तुम फौरन अंदर जाओ और तुम दोनों फौरन पीछे की तरफ जाओ। चलो जल्दी करो, रास्तों पर नजर रखो, हरगिज परिंदा भी बरना मारे। तुम मेरे साथ आओ। आए पाशा, चलते हैं। ठीक हो, मैं मत रख जी। ठीक हूं। ठीक हूं मैं, ठीक हूं मथुरक जी। ये क्या हाल हो गया पाशा? कौन है ये लोग? तुम कैसे पहुंचे यहां? खजीना सुल्तान ने खबर भेजी थी, आपके अचानक जाने से परेशान हो गई थी। वो बिल्कुल सही कह रही थी। ये सब किसने किया है पाशा? जिसने यहां बुलाया था उसने। किसने बुलाया था? बताइए। वालिदा बरहक है शहजादे, एहतियात को नहीं छोड़ सकते। सबसे अच्छी एहतियात इस गद्दार को तलाश करना है तश्री अली। मेरे ही महल में सब कुछ हो रहा है। माजरत चाहता हूं शहजादे, इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार हो जाएगा गद्दार। वालिदा। मलिका, तुम दरबार जाने का कह रहे थे। अभी जा रहा हूँ, क्या कोई मसला है? नहीं, सिर्फ पूछ रही थी। लाला तुम्हारे मुंतजर होंगे। मैं ठीक हूँ वालिदा, आप खातिर जमा रखें। तुम ठहरो जरा। तुम्हें हमारे पास इब्राहिम पाशा ने भेजा था और हमें पूरा एतमाद है उन पर। तुम पर भी इसीलिए एतमाद किया। माजरत चाहता हूं मलिका, अगर आपको किसी बात से रंज पहुंचा है तो। तुम मुझे से रहते हो, उसका क्या सबब है? तुम्हारी आंखों में खौफ सा क्यों है मलिका? तुम्हें कल रात देखा था तश्री अली, एक मकतूब चला रहे थे तुम। किसने भेजा था वो? वो हुरम सुल्तान ने तो नहीं भेजा था। तुम मेरा ताकुब क्यों कर रही थी खातून? क्या चाहती हो? प्यासी हो क्या? छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है यहाँ पर? छोड़ो याना, छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? फौरन वजाहत दो मुझे। छुप छुप कर घूम रही थी तो मुझे शक हुआ। पता है हरम में गद्दार मौजूद है। तुम्हारी जबान काट दूंगी। चुप रहो, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मलिका के कमरे में जा रही हूँ। क्या मतलब खातून? मेरी इजाजत के बगैर तुम मलिका के कमरे में नहीं जा सकती। मलिका, आप मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही हैं? मैं शहजादे का खास और सादिक खिदमतगार हूँ, गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। तो फिर बताओ क्या लिखा था मकतूब में, वो किसने भेजा था? मलिका, उसका खुसूसी मौजू था, आपको बताते हिजाब महसूस कर रहा हूं। ऐसा क्या था? दिल का मामला था क्या? इश्किया मकतूब चलाया नहीं करते तश्री अली? अब मुझे हकीकत बताओ क्या है।
मलिका मैं कसम, सच बताना होगा तुम्हें वरना मैं शहजादे को तुम्हारी गद्दारी के बारे में बता दूंगी। मलिका यकीन करें, आगा अगर आप जानना चाहती हैं तो वो मकतूब इश्क का मकतूब था, ये सच है मलिका, लेकिन मैं इस मकतूब को चलाने पे मजबूर था क्योंकि उसे लिखने वाली महरमा सुल्तान है मलिका। इस वजह से तुम्हारा सर कट सकता है, जानते हो तुम? जानता हूं मलिका। क्या मेरे अलावा कोई और इस बारे में जानता है? नहीं। किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, उससे तुम्हें फौरन खता ताल्लुक करना चाहिए। तुम याद रखो कि ऐसे राज कभी राज नहीं रह पाते, कतन शहजादे को भी मालूम नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं बताऊंगी। मलिका संभल, क्या हुआ जल्दी बताओ मुझे। कुछ देर पहले परचम आगा से मिला था मैं। उनके कहने के मुताबिक इब्राहिम पाशा अल्लाह की रहमत पे चले गए हैं। वालिदा होती तो महमद को कतन नहीं भेजती क्योंकि दूसरे बच्चे फर्क महसूस करेंगे। ऐसा ही है, महमत इन दिनों बहुत खुश है। और तुम महरमा, कई दिनों से उदास लग रही हो मुझे। आओ। सुलेमान, मुझे याद फरमाया आपने। खुशामदीद हो रहा, मैं महरमा से गुफ्तगू कर रहा था। आका इजाजत दें तो अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। ठीक है, जा सकती हो। वालिदा, महरमा कहाँ थी तुम? हजीना सुल्तान से मिलने गई थी, रमजान की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगु की उनसे। इब्राहिम मौजूद था क्या? नहीं, वो नहीं थे। पाशा जहर वाले मसले के मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि सामने नहीं आएगा कुछ भी। वो कोई निशान व सुराख ना छोड़ने वाला एक ताकतवर दुश्मन है। मैं इस हादसे में इब्राहिम को किसी भी तौर पर मुलव्वस नहीं समझता हूं। तुम बिल्कुल भी इस वाकये की वजह से इब्राहिम को अपना दुश्मन मत समझना। आप तस्लीम नहीं करना चाहते? तुम दोनों के दरमियान जो नफरत है वो खत्म करो हुरम। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग जगह है और जान लो कि इब्राहिम का मकाम भी कम नहीं।
मैं ऐसे भयानक इल्जामात उस पर कभी नहीं लगा सकता और ना ही किसी को इजाजत दे सकता हूँ, ये जान लो तुम। बैठो, उधर हकीम को बुलाता हूँ। नसु अफदली ने जख्मों को सी दिया मेरे आका, कोई गहरा जख्म नहीं, ठीक हूं मैं, आप परेशान ना हो। कैसे हुआ ये? एक गद्दार ने अपने जाल में फंसा लिया था आका, मेरे सब जानसार मारे गए। वो कौन था इब्राहिम? कौन कर सकता है मेरे वजीर आजम पर ऐसा हमला? कौन कर सकता है बताओ मुझे। औरम अपने कमरे में जाओ। मुझे अफसोस है पाशा, जो कुछ भी हुआ। आप खातिर जमा रखे वाले का, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सलामत हूँ और अपने कदमों पर हूँ। मेरे आका, मलिका परचम आका ने गलत खबर भिजवाई है। देख लिया रुस्तम आका तुमने, इब्राहिम पाशा अंदर है। आपने करवाया है वो बता देंगे। नहीं नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एहतियात करनी पड़ेगी। कुछ अरसे के लिए खामोश रहने में ही आफियत है, मेरे हुक्म का इंतजार करना। मुझे पूरी बात तफसील से बताओ, आखिर तुम पर हमला करने की जुर्रत कौन कर सकता है? पहले आपकी जान लेने की कोशिश की आका, और अब मेरी, मेरे ख्याल में एक ही है। बताओ मुझे किस पर शक है तुम्हें? नहीं, मैं तफ्तीश करके आपको जरूर मालूमात फराहम कर दूंगा। ये सूरत हाल मेरे लिए जरूरत से ज्यादा परेशान कुन है इब्राहिम, फौरन से बेशतर अपने आप को संभालो। आपका जो हुक्म। खजीना को मालूम है क्या? फिलहाल उन्हें कुछ मालूम नहीं। माहिदौरा सुल्तान को किस पर शक है ये जानती हो? मेरे ख्याल में दियाना के अलावा कोई नहीं, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा। खातून जो भी है बहुत ही चालाक है, कुछ भी कर सकती है, बड़ा खतरा है वो। वो ऐसी ही लगती है, हुरम सुल्तान ने यूं ही मुंतखब नहीं किया होगा उसे। हम उसे खातून समझ रहे हैं, हो सकता है कोई आगा हो। जो कोई भी है फौरन तलाश करना होगा उसे, वरना सुकून का सांस नहीं ले पाएंगे। सही कहा, मैं भी शहजादे को एक पल के लिए तन्हा नहीं छोड़ती, सो भी नहीं पाती ठीक तरह। आइए। फैदान खातून, एक अहम मसला है। फौरन तलाशी लो। क्या कर रहे हो तुम? वो मेरा बिस्तर है आगा, दियाना यहां आओ।
क्या चाहते हो तुम? कनीजों में से एक ने तुमको देखा है और मुखबरी की है। कैसी मुखबरी और क्या देखा है? क्या ये तुम्हारा है खातून? हाँ मेरा है। क्या है ये? ये मेरा नहीं, सुन लो, इसे पकड़ लो। दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे। कपड़ा फरोश खातून जो मकतूब लाई थी वो ये है शहजादे, दियाना से बरामद हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे हकीकत बताओ खातून, क्या तुम हो गद्दार? तुम्हारे सामान से बरामद हुआ है मकतूब। ये साजिश है मलिका, मैंने कुछ नहीं किया। मकतूब छुपाते हुए तुम्हें देखा गया है? मैं होती तो छुपाती नहीं, जला देती। तुम्हारे यकीन कैसे करें हम? आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकती, मैं आपकी वफादार हूँ मलिका। क्या मालूम तुम कोई खेल खेल रही हो, हमारे दिल में जगह बनाना चाहती थी। तुम पर इल्जाम है, वाकई के गवाह भी मौजूद है, फिर भी तफ्तीश की जाएगी तुमसे खातून। इसे जिंदान में बंद कर दिया जाए। दियाना, आखिरकार तुम अपने अंजाम को पहुंच ही गई है ना? वो मकतूब तुमने रखा था ना वहां, गद्दार हो तुम। जैसे चाहो सोचो तुम, मुझे किसी भी बात की खबर नहीं। जान से मार दूंगी तुम्हें। आगा, नहीं छोड़ूंगी। करो आगा। पानी भी नहीं देना इस कमजात को।